हेलो बच्चों, तो आज इस वाली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हिंदी में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय कहा जाता है, जो कि हमारे पास में इस साल जो 2023-24 के सिलेबस के अंदर 5.1 एक्सरसाइज ही हमारे सिलेबस में है और 5.2 हट चुकी है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास में, देखना क्वेश्चन नंबर वन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ये बताने हैं, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो ये भी बताना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट जो है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे समझना, एक ही हमारे पास में बिंदु है, कोई ओ बिंदु है, इससे क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है? क्या देखते हैं, ये इधर भी खींची जा सकती है, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है, तो इससे तो काफी सारी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये कौन सा असत्य है हमारा? इसका कारण यही है कि इससे हम काफी सारी रेखाएं खींची जा सकती है या खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। जैसे समझना, दो बिंदु, पहले एक था, अब दो बिंदु है, जैसे इस दोनों से जाने वाली रेखाएं कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। या तो इधर से खींच सकते हो या इधर से खींच सकते हो, दाया भाग है और ये बाया भाग है, तो कितनी खींची जा सकती है? ओनली एक। इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है? असत्य। उसमें पूछा गया, उसमें कहा गया है कि असंख्य, जबकि गिन सकते हैं ना हम, तो एक ही स्पर्श रेखाएं खींची, एक ही रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास में, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे समझना, एक शांत रेखा है, इसको दोनों तरफ हम क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। देखना, क्या इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं अशांत रेखा को। ओके, तो हम इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, तो इसको कहते हैं सत्य, इस वाले पार्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास में, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। समझना, यदि ये दो वृत्त बराबर है, समझना, जैसे कि साइकिल के टायर, यदि ये आपस में बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं क्या हो गई? बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये आर है तो ये भी आर होगी, तो इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी, तो इसका परिधि भी क्या होगी? बराबर होगी, तो इसका एरिया भी क्या होगा? बराबर होगा, राइट। तो ये सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखना हमारे पास में आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY हो तो AB XY के बराबर होंगे। समझना, हमें लाइन दी हुई है AB PQ और XY। समझना, AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के और PQ बराबर है XY के, तो AB भी बराबर होगा XY के। जैसे एक दूसरे के बराबर है, ये वाला पार्ट बराबर है, तो ये वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम इसे ऊपर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, निम्न पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें किसे परिभाषित कर पाएंगे? देखना, फर्स्ट है जो हमारा, वो है समांतर रेखाएं। समझना, वो रेखा जो आपस में कभी नहीं मिले और एक फिक्स डिस्टेंस पर हो। जैसे समझना, इसकी दूरी डी है, ये दूरी है और ये ए बी और PQ कोई समांतर रेखा है, ये आपस में d दूरी पर है। अभी जितना आगे बढ़ेगी तब भी हमारे d दूरी पर ही रहेगी, फिक्स डिस्टेंस पर रहेगी, तो ये आपस में कभी मिलेगी नहीं। तो ये रेखाएं कौन सी होती है? समांतर रेखा, जो आपस में कभी मिले नहीं और 180 डिग्री का कोण बनाए। देखना, ये भी 180 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 180 डिग्री का कोण बना रही है। नेक्स्ट है लंब रेखाएं। लंब रेखाओं से मतलब है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। जैसे समझ रहे हैं, दो रेखाएं या आपस में 90 डिग्री का, एक बार ही प्रतिच्छेद होती है। कितनी बार? एक बार। अब इसको कितना बढ़ा लो, इधर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, चतुर्थांश का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं। थर्ड है हमारे पास में रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखा जो आप सब जानते हैं, ये एक रेखाखंड है, जैसे ए बी, तो ये कितनी भी साइज का हो सकता है, जितनी भी साइज होगी उसके अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। मतलब एक दो बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन को,
दो बिंदु जैसे ए और बी है, मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? रेखाखंड कहेंगे। ओके, उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। समझना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या से ही वृत्त बनता है, समझना, जो ओ से केंद्र से आर दूरी पर होता है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। इसी के बेस पर हमारा क्या बनता है? वृत्त यानी सर्कल बनता है। ये वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या से जस्ट डबल होती है इसका डायमीटर, जिसे व्यास कहते हैं, व्यास, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे त्रिज्या कहते हैं, समझना। ओके, और डी बराबर कितना होता है? 2R होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वर्ग पर, वर्ग पे चलते हैं। वर्ग देखना, वर्ग क्या होता है? ये चार भुजा का होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये चारों भुजा जो है बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का लिख देते हैं। और इसकी जो डायगोनल मतलब विकर्ण जो होती है वो भी आपस में एक दूसरे की क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, काफी इजी था हमारा ये, उसके बारे में आपने जैसा बोला है वैसा लिख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। नेक्स्ट, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए बी डी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। समझना, ये दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच में सी कोई बिंदु विद्यमान है, ठीक है, कर दिया। यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है जो वह एक रेखा पर स्थित नहीं है, तीन ऐसे बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, जैसे समझना कुछ और भी होंगे इस पर। उसके बाद क्या इस अभिधारणा में कोई परिभाषा शब्द है? क्या यह अभिधारणा अविरोधी है? क्या यह यूक्लिड अभिधारणा से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। नहीं, देखना यहां पर आपको स्पेशली कब ये नहीं दिया हुआ है कि कितने बिंदु इस पर है, लेकिन फर्स्ट अभिधारणा में बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच में सी है, जबकि सेकेंड अभिधारणा में कुछ भी नहीं बताया गया, तो ये नहीं है। फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट तो राइट है, लेकिन सेकेंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, जो कि हमारा काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, यदि ए और बी के बीच में सी ऐसा बिंदु स्थित है, समझ लेना ये इस तरीके से, और यहां पर यह भी दिया हुआ है एसी जो है बीसी के बराबर है, मतलब ये आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए एसी बराबर होगा एक बटे दो ए बी, ये हमें सिद्ध करना है, तो करते हैं। देखना इस लाइन को देखो, सबसे पहले यहां से यहां तक एसी और यहां से यहां तक बीसी और यहां से पूरा कंप्लीट कितना है ए बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी बराबर एसी प्लस बीसी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखना हमें दिया है एसी जो है बीसी के बराबर है, तो मैं एसी की जगह क्या लिख दूं? बीसी लिख दूं, या बीसी की जगह एसी लिख देता हूं, तो मैं बीसी की जगह क्या लिख रहा हूं? एसी लिख रहा हूं, तो ए बी बराबर एसी प्लस, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? एसी, तो ए बी बराबर एसी प्लस एसी टू एसी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, स्लाइड को चुपर कर रहा हूं, जब बराबर है तो यहां से देखिए एसी का मान निकाल रहे हैं, तो दो गुणा में ना तो बटे मिला देते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही रिप्रेजेंट करना था, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, कंप्लीट बराबर है ना, तो बराबर है तो रोटेट कर दो इसको, तो एक बटे दो एवी, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, काफी आसान था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्रश्न चार में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। समझना ये है, तो देखना ए
बी के बीच में सी बिंदु स्थित है। तो ये ए के बिंदु स्थित कब होगा? जब ये बिल्कुल बीच में होगा। जैसा कि हमने इसमें बता दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये बिल्कुल क्या है, बीच में है। तो हमें दिया था एसी जो है बीसी के बराबर है, तब बराबर होगा तो ये कहां बिल्कुल स्थित होगा, बीच में स्थित होगा। जबकि इसकी दूरी हमने बता दी एक एक बटा दो ए बी, एक बटा दो ए बी, इसके भी एक बटा दो ए बी, इसके भी एक बटा दो ए बी, दोनों की दूरियां क्या है आपस में बराबर। तो कितना बिंदु स्थित होगा, एक बिंदु स्थित होगा जो इसमें केवल एक ही बिंदु मध्य बिंदु स्थित होगा, ये हमें बताना था तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो इसको स्लाइड को कुछ पढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आकृति 5.10 में यदि एसी बराबर है, एसी बराबर है बीडी है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध करना है। तो एक लाइन हमें दे दी, ऐसे लाइन है ए फिर बी फिर सी फिर डी, समझना। यहां से हमें ये दिया हुआ था एसी बराबर है बीडी के, तो मैं एसी को क्या लिख रहा हूं, देखना, एसी को लिख रहा हूं मैं ए बी प्लस बी सी, और इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं बीडी को बीसी प्लस सीडी। अब देखना ये इक्वेशन नंबर एक और दो हमें दिया है, उसके अकॉर्डिंग में इसको बराबर कर रहा हूं, ये से हमें दिया है ना उसके अकॉर्डिंग में इसको बराबर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है एसी बराबर बीडी है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं ए बी प्लस बीसी बराबर बीसी प्लस सीडी। देखिए ये बीसी है, ये भी बीसी है, प्लस का है ना, ये इधर लेकर आएंगे तो माइनस का होने वाला था, कैंसिल तो हम यहीं से कर सकते हैं, और क्या हो गया हमारा बीसी बराबर सीडी, यही हमें प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया, जैसा कि हमने सिद्ध करना था हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर सेवन है। क्वेश्चन नंबर सेवन को देखिए, यूक्लिड की अविधारणा की सूची में दिए हुए प्रतिगमन पांच का अव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ध्यान देकर पांचवी अविधारणा से संबंध कीजिए। तो पांचवी अविधारणा निकालते हैं हम, देखिए पांचवी अविधारणा ये रही, ये रही हमारी, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर जो कि समांतर नहीं हो पर गिरेगी, तो ये रेखा का जो योग होगा, दोनों एंगल का योग होगा वो 180 से क्या होता है, कम होता है, यानी दो समकोण से कम होता है, जैसा कि इसमें दिया है, तो बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या समांतर नहीं है, बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने फिफ्थ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ओके।